नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभास साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। देश के अन्य राज्यों में वैसे तो फ्री पॉलिटिक्स का चलन काफी पहले से है, चाहे वो बिहार में नीतीश कुमार द्वारा साइकिल दिया जाना हो या उड़ीसा के पटनायक सरकार द्वारा LED बल्ब और शिक्षा लोन दिया जाना। लेकिन बिजली और पानी ऐसा मुद्दा है जो सीधे सीधे निम्न और मध्यम वर्ग के वोटरों को कनेक्ट करता है। दिल्ली में यह फॉर्मूला हिट रहा है। देश में रेवड़ी कल्चर यानी चुनाव के वक्त फ्री योजनाओं के ऐलान पर बहस छिड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस NV रमन्ना और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। राजनीतिक पार्टियों के जरिए मुफ्त योजनाओं के ऐलान के खिलाफ BJP नेता अश्विनी उपाध्याय ने ये याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत गंभीर माना। कोर्ट ने कहा कि लोगों की भलाई के लिए चलाई जाने वाली वेलफेयर स्कीम और देश की आर्थिक सेहत दोनों में बैलेंस बनाए रखने की जरूरत है। सुनवाई के दौरान NV रमन्ना ने अपने ससुर से जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया। उन्होंने कहा कि मेरे ससुर एक किसान हैं। किसानों को उन दिनों बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाता था। उन्होंने मुझसे इस बारे में याचिका दाखिल करने के लिए कहा। मैंने उनसे कहा कि यह सरकार की नीति है, इस पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ दिनों बाद सरकार ने अवैध तरीके से कनेक्शन जोड़ने वाले सभी किसानों के अवैध कनेक्शन वैध कर दिए। मेरे पास अपने ससुर को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। वेलफेयर बनाम फ्री बिल। स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, सीवरेज, बिजली और परिवहन जैसे कुछ सेवाएं हैं जिन्हें लोग अपने लिए व्यवस्थित नहीं कर सकते, इसलिए वे सरकारें चुनते हैं। ये सभी कल्याणकारी उपाय हैं, जिनमें से कितनी सेवाएं मुफ्त होनी चाहिए ये सरकार के राजकीय दायरे पर निर्भर करता है। यदि आपकी व्यय राजस्व की स्थिति मजबूत है तो आप जितना चाहें मुफ्त सेवाएं दें। लेकिन हकीकत यह है कि सभी राज्यों में अक्सर नकदी की कमी रहती है। हम इस पर बाद में आएंगे, सबसे पहले समझते हैं कि फ्रीबीज है क्या। फ्रीबीज सबका डिक्शनरी में अर्थ आपको मुफ्त दिया जाने वाला सुविधा है, लेकिन वास्तविक अर्थ इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे पूछ रहे हैं। कुछ के लिए ये एक अभिजात्य निर्माण है, अन्य लोगों की नज़र में यह तुच्छ है। एक फ्रीबी और एक आवश्यक सेवा के बीच भेद करने के लिए समय और स्थान में उचित संदर्भ की आवश्यकता होगी। हेल्थ और एजुकेशन को कभी भी रेवड़ी नहीं समझा गया। उदाहरण के लिए मध्यम भोजन योजना राष्ट्रीय हो गई, लेकिन जब इसे 1980 के दशक के शुरुआत में दक्षिण में शुरू किया गया तो उत्तर में कई लोग इस विचार को पचा नहीं सके। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तर्कहीन और मुफ्त उपहार दोनों अपरिपक्व व्याख्या के लिए खुले हैं, उनकी कोई सटीक कानूनी परिभाषा नहीं है। आयोग ने कहा कि प्राकृतिक आपदा या महामारी के दौरान जीवन रक्षक दवाएं, भोजन या धैर्य मुहैया कराने से लोगों की जान बच सकती है, लेकिन नियमित समय इन्हें मुफ्त उपहार कहा जा सकता है। RBI ने अपनी इस रिपोर्ट में कैग के आंकड़ों के हवाले से बताया कि राज्य सरकार का सब्सिडी पर खर्च लगातार बढ़ रहा है। 2020-21 में सब्सिडी पर कुल खर्च 11.2% था, जबकि 2021-22 में 12.9% खर्च किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि अब राज्य सरकारें सब्सिडी के बजाय मुफ्त ही दे रही हैं। सरकारें ऐसे चीज़ें पैसा खर्च कर रही हैं जहां उन्हें कोई कमाई नहीं हो रही। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री यात्रा, बिल माफ़ी और कर्ज माफ़ी, ये सब फ्री बाई है जिन पर राज्य सरकारें खर्च कर रही हैं। संविधान के भाग 4 में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत कहते हैं कि राज्य सरकार को उन लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए जो गरीबी रेखा से नीचे BPL हैं या समर्थन के बिना प्रगति नहीं कर सकते। लेकिन हमने देखा है कि चुनावी घोषणा पत्र अक्सर ऐसे भेदों का सम्मान नहीं करते। कहां से हुई शुरुआत? 1990 के दशक में अन्नाद्रमक्की जे जयललिता ने वादा किया था और तमिलनाडु में मुसारी, प्रेशर कुकर, टेलीविजन सेट और वॉशिंग मशीन वितरित की जाएगी। लगभग उसी समय पंजाब में अकालियों ने मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया। फ्री कल्चर के विस्तार की जड़ जनता दल, जिसके VP सिंह 1989 में प्रधानमंत्री बने के आने के बाद से भी जोड़कर देखा जाता है। कैसे जिसके बाद वर्षों में क्षेत्रीय दलों का जन्म होता रहा। बिहार, जॉर्ज फर्नांडिस की 1994 वाली समता पार्टी जो 2003 में नीतीश कुमार की JDU हो गई। लालू यादव की राजद 1997 में और रामविलास पासवान की लोजपा 2000 में बनी। उत्तर प्रदेश में 1992 में मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। ओडिशा में 1997 में बीजू पटनायक की BJD, कर्नाटक में 1999 में HD देवगौड़ा की JDS बनी, हरियाणा देवी लाल की NLO और 1996 में अजीत सिंह की रालोद। इन दलों के नेताओं की विचारधारा कमोबेश एक जैसी थी। इनके बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही थी। आपसी खींचतान के बीच मुफ्त उपहार एक आसान शॉर्टकट बन गया। कई मामलों में पार्टियों ने उचित आर्थिक नीतियों के माध्यम से लोगों के लिए पर्याप्त रोजगार व कौशल प्रदान करने या लोगों के लिए अच्छी आजीविका सुनिश्चित करने में अपनी सरकारों की विफलता को कवर करने के लिए फ्रीबी संस्कृति का सहारा लिया। कई पार्टियां नहीं चाहती थी कि मुफ्तखोरी बंद हो, लेकिन चुनाव जीतना और सुशासन देना दोनों अलग अलग चीजें हैं। 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बेतहाशा उम्मीदों को पार किया और मुफ्त बिजली और पानी के वादे पर सत्ता में आई। वोटरों ने झोली भर करके केजरीवाल की पार्टी को 2020 के विधानसभा चुनाव में भी वोट दिए, जहां तक कि आप
नेता अरविंद केजरीवाल पहली बार 2013 में 49 दिनों के लिए दिल्ली में सत्ता में आए तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से लंबित बकाया बिलों को माफ कर दिया था। उन्होंने डिस्कॉम को यह कहकर अपने कार्य को सही ठहराया और तत्कालीन कांग्रेस सरकार आवश्यक सेवाएं प्रदान करने की आड़ में जनता को लूट रही थी। मुफ्त सुविधाओं की लागत। विशेषज्ञों का मानना है कि मुफ्त सुविधाओं पर ज्यादा जोर देने से राज्य की वित्तीय स्थिति प्रभावित होती है और सरकारें कर्ज के जाल में फंस जाती है। आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया कि फ्रीवीज क्रेडिट संस्कृति को कमजोर करते हैं, क्रॉस सब्सिडी के माध्यम से कीमतों को विकृत करते हैं, निजी निवेश के लिए प्रोत्साहन को कम करते हैं और वर्तमान मजदूरी दर पर काम को हतोत्साहित भी करते हैं, जिससे श्रम बल की भागीदारी में गिरावट आती है। पंजाब की बिजली सब्सिडी और राज्य के खजाने पर इसकी बढ़ती लागत कुल राजस्व का 16% से अधिक है। विश्लेषणात्मक फर्म क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश राज्य अनिश्चित ऋण स्थितियों में, जो अधिक महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी उपायों पर खर्च करने की इनकी क्षमता को बाधित करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्टेट फाइनेंस रिस्क एनालिसिस रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में किस राज्य में अपनी GSDP की तुलना में कितना कर्ज आपको बताते हैं। पंजाब GSDP का 53.3% कर्ज है, राजस्थान में GSDP का 39.5% कर्ज है, बिहार में GSDP का 38.6% कर्ज है, केरल में ये आंकड़ा 37% तक का है, उत्तर प्रदेश में GSDP का 34.9% कर्ज है, पश्चिम बंगाल में GSDP का 34.4% कर्ज है, झारखंड में GSDP का 33% कर्ज है, आंध्र प्रदेश में GSDP का 32.5% कर्ज है और मध्य प्रदेश में GSDP का 31.3% कर्ज है, हरियाणा में GSDP का 29.4% कर्ज है। फ्रीविज पर RBI। श्रीलंका के हालात से तो आप सभी रूबरू होंगे, लेकिन भारत के राज्यों को लेकर भी बीते दिनों बड़ी चिंता जताई गई। RBI ने श्रीलंका के ऋण संकट की पृष्ठभूमि के खिलाफ तैयार की गई अपनी रिपोर्ट में राज्य के वित्त की गंभीर स्थिति को फ्रीविज से जोड़ा है, विशेष रूप से बिजली सब्सिडी, जिसने डिस्कॉम को बकाया राशि बढ़ा दी। श्रीलंका सरकार ने बड़े पैमाने पर कर में कटौती की थी और कई मुफ्त सामान और सेवाएं प्रदान की थी, जिससे अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। रिजर्व बैंक के सालाना प्रकाशन राज्य वित्त 2021-22 के बजट का एक अध्ययन में यह भी कहा गया कि चूंकि COVID-19 महामारी की दूसरी लहर का प्रभाव काफी हद तक समाप्त हो गया, ऐसे में राज्य सरकार को कर्ज स्थिरता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए विश्वसनीय कदम उठाने की आवश्यकता है। बड़े राज्यों की बात करें तो पंजाब में सबसे खराब ऋण से GDP अनुपात 39.9% है, इसके बाद उत्तर प्रदेश जहां ऋण का स्तर सकल घरेलू उत्पाद का 38.1% पहुंच गया, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल में भी ऋण से GDP अनुपात सीमा से कहीं अधिक है, इसके विपरीत असम, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना में ऋण से GDP अनुपात सबसे कम है। सुप्रीम कोर्ट का 2013 का हस्तक्षेप। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का अधिकार है। आदर्श आचार संहिता की पालन करने में विफलता के लिए चुनाव आयोग किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की मान्यता को निलंबित या वापस ले सकता है, लेकिन आयोग ने शायद ही कभी इस शक्ति का प्रयोग किया हो। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि फ्रीबीज के लिए बजट नियमित बजट से भी ऊपर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुफ्त उपहार निसंदेह सभी लोगों को प्रभावित करते हैं, यह स्वतंत्र निष्पक्ष चुनावों की जड़ को काफी हद तक हिलाकर रख देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से राजनीतिक दलों के परामर्श से दिशा निर्देश तैयार करने को कहा था। चुनाव आयोग के 2014 के दिशा निर्देश। 2014 में चुनाव आयोग ने अपने दिशा निर्देश जारी कर, जिसमें उन्होंने अनिवार्य रूप से इसे अपने MCC का हिस्सा बनाने के लिए कहा गया। पार्टियां ऐसे वादे नहीं करेगी जो मतदाताओं को प्रभावित कर सके। घोषणा पत्र में वादों के औचित्य को भी दर्शाया जाना चाहिए और वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के तरीकों और साधनों को व्यापक रूप से अंकित करना चाहिए। मतदाताओं का विश्वास केवल उन्हीं वादों पर मांगा जाना चाहिए जिन्हें पूरा किया जा सकता है। 2015 में आयोग ने पार्टियों को अपने घोषणा पत्र की एक प्रति जमा करने के लिए कहा, लेकिन मुफ्तखोरी की समस्या खत्म नहीं। फिर कोई अंकुश क्यों नहीं। चुनाव आयोग को अपने दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए अधिक शक्तियों की आवश्यकता है, लेकिन उसके लिए इसके प्रस्ताव ज्यादातर धूल फांक रहे हैं। 2004 में आयोग ने चुनावी सुधार के लिए 22 प्रस्ताव केंद्र को भेजे, जिसमें राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्तियों भी शामिल थी। फिर 2016 में आयोग ने केंद्रीय कानून मंत्रालय को नियमों में संशोधन करने और घोर चुनाव कदाचार के लिए एक राजनीतिक दल को पंजीकृत करने में सक्षम बनाने के लिए एक प्रस्ताव भेजा, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं हुआ। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में मामला। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली BJP नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर की जनहित याचिका की सुनवाई कर रहा है, जिसमें चुनाव से पहले मुफ्त उपहार देने के लिए चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने या किसी पार्टी का पंजीकरण रद्द करने का निर्देश देने को लेकर कहा गया है। कोर्ट ने इसे गंभीर मसला बताया है। अदालत ने कहा कि गरीबों को खाना खिलाने की जरूरत है, लेकिन लोक कल्याण को संतुलित करने की जरूरत है, क्योंकि मुफ्त कल्चर की वजह से अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। वैसे इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने कहा कि हमें हलफनामा नहीं मिलता, लेकिन अखबारों को मिल जाता है, लीक हो जाता है, छप जाता है। पूरे मसले पर केंद्र का स्टैंड। मुफ्तखोरी बंद होनी चाहिए, क्योंकि अवसरवादियों की नासमझ घोषणाएं अर्थव्यवस्था को संकट की ओर ढकेल रही हैं। जनता के पैसे का इस्तेमाल मतदाताओं को लुभाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए और चुनाव आयोग को उनसे निपटने के तरीके तलाशने चाहिए।
मेरी बाईं जेब में जो आता है वो मेरी दाहिनी जेब से लिया जाता है। पीएम मोदी ने जनसभाओं में मुफ्त और सब्सिडी की संस्कृति के खिलाफ जोरदार ढंग से बात की, जिस पर आपने पलटवार भी किया। आम आदमी पार्टी का रुख, आपने अदालत से कहा कि उनकी सरकार दिल्ली और पंजाब में दी जाने वाली बिल्कुल आवश्यक स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं फ्रीबीज नहीं है। आपने कहा कि जनहित याचिका इस बारे में बात नहीं करती कि केंद्र ने कैसे खर्च किया या सरकारी खजाने से महत्वपूर्ण राशि को छोड़ दिया और स्वेच्छा से कॉरपोरेट क्षेत्र की सहायता और अमीरों की स्मृति के लिए सहवर्ती वित्तीय नुकसान पर ले लिया। तो आगे क्या? चुनाव आयोग ने कहा कि मुफ्त उपहार का मुद्दा मतदाताओं पर छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह राज्य की नीतियों और निर्णयों को विनियमित नहीं कर सकता है, जो जीतने वाली पार्टी द्वारा सरकार बनाते समय लिए जा सकते हैं। आयोग ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई कानून में प्रावधानों को सक्षम किए बिना शक्तियों का अतिरेक होगा। इस सबमिशन के जवाब में अदालत ने इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए नीति आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, RBI और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक समिति गठन करने का प्रस्ताव दिया। चुनाव आयोग ने अदालत के प्रस्ताव का स्वागत किया, लेकिन कहा कि एक संवैधानिक प्राधिकरण होने के नाते वह समिति का हिस्सा नहीं हो सकता। आयोग ने हालांकि कहा कि वह विशेषज्ञ समिति के सिफारिशों को सर्वोच्च विचार देगा। तो आज हमने आपको रेवड़ी कल्चरल वेलफेयर स्कीम के बारे में अंतर के बारे में बताया। आज के लिए इजाजत। ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।